अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। रिसेंटली कुछ इश्यूज मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ आए थे, जिसकी वजह से उनको बेवजह की कंसल्टेशंस मेरे साथ लेनी पड़ रही थी या टाइम के कुछ इश्यूज हो रहे थे। मेन इशू, मेन जो प्रॉब्लम उनका था, ज़्यादातर का जो था वो था कि जी डॉक्टर साहब, फलानी जगह पे पेन है, फलानी जगह पे दर्द है, पेट में दर्द है, चेस्ट में इस जगह पे दर्द हो रही है, या बाजू में कहीं पे दर्द है। क्योंकि मेरा वास्ता ऑर्थोपेडिक सर्जरी से भी है, तो इस वजह से भी मुझे कुछ लोग उस हवाले से भी अप्रोच कर रहे होते हैं कि पेन मैनेजमेंट हमें बता दें कि जी पेन मैनेजमेंट हमने किस तरीके से करनी है। फौरन कोई हरबा ऐसा दे दें जिससे जो है वो पेन बेहतर हो जाए विदाउट पेन किलर्स। अच्छा, पेन किलर्स के बगैर हमारा एक जिन्होंने मेडिकल साइंस पढ़ी हुई है उनको पता है, उसको एक थ्योरी है जिसको कहते हैं द पेन गेट थ्योरी या लैटरल इनहिबिशन थ्योरी। जो पेन गेट थ्योरी है वो ये कहती है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपका ब्रेन है और उसके नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें एक जाने वाली सेंसरी, जिसको हम कहते हैं सेंसरी सिग्नल्स होते हैं, और एक फिर उस सेंसरी से स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर मोटर सिग्नल्स होते हैं। सेंसरी वो होता है जो कि आपकी सेंसेशन लेके जा रहा है, किसी भी किस्म की फीलिंग लेके जा रहा है, आपकी सेंस ऑफ हियरिंग लेके जा रहा है, सेंस ऑफ विजन लेके जा रहा है, सेंस ऑफ स्मेल लेके जा रहा है, सेंस ऑफ टेस्ट लेके जा रहा है, सेंस ऑफ फीलिंग लेके जा रहा है, जो भी एफरेंट या जो भी सेंसरी है, जो कि विच इज इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग टू द स्पाइनल कॉर्ड, वी विल कॉल इट अ सेंसरी इंफॉर्मेशन। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से कुछ चीज़ें जो हैं वो टू एंड फ्रो ब्रेन से रिले होती हैं, ब्रेन हायर सेंटर्स में जाके जो है वो बात पहुंचाई जाती है कि जी ये इशू हो रहा है तो आप बताएं कि क्या करना है। हायर सेंटर्स जो हैं वो कोई इंटेलेक्चुअल किस्म की जवाब दे के नीचे स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आगे फिर इसको रिले करता है, एग्जीक्यूट करता है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स या मोटर सिग्नल्स। अब जो पेन गेट या लैटरल इनहिबिशन है, इससे पहले पेन समझ लें कि जी पेन क्या है। पेन एक सेंसेशन है, इट इज़ अ फीलिंग दैट यू फील, इट इज़ द परसेप्शन, इट इज़ एक्चुअली द परसेप्शन ऑफ एन इंजरी जो कि आपको महसूस होना शुरू होती है। आपको खुदा ना खास्ता हाथ के ऊपर जो है वो कट पड़ता है कोई, उस कट से कुछ वहाँ पे नर्व फाइबर्स हैं जो कि स्टिमुलेट हुए, उन नर्व फाइबर्स ने जो है वो सेंसरी सिग्नल भेजना शुरू किया कि जी यहाँ पे कुछ फिजिकल डैमेज हुआ है। अब वो नर्व फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, वहाँ से फिर हायर सेंटर में भी जाएंगे, हायर सेंटर में बताया जाएगा कि जी इस एरिया के अंदर कट लगा है, फिर वो वापस, वो जब हायर सेंटर तक पहुँचेगी बात, दैट इज़ वेन यू विल स्टार्ट परसीविंग दैट पेन। होता है ना, कभी आपको कट लगता है तो आप तो करते हैं, लेकिन दर्द आपको बाद में होना शुरू होती है, रिफ्लेक्स आपका पहले हो जाता है, जो परसेप्शन पेन की आती है वो आपको बाद में आना शुरू होती है, उसको हम कहते होते हैं रिफ्लेक्स आर्क। सेंसरी पहुंची स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोग्राम किया हुआ है अल्लाह ने थ्रू द ब्रेन के कुछ चीजें हैं जो कि फौरन बस करनी है, उसके लिए हायर सेंटर्स का इंतजार नहीं किया जाता, वो उधर ही लूप कर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में ही लूप करके सेंसरी जिधर आती है सेंसरी से ही स्पाइनल कॉर्ड में, उसी लेवल के ऊपर जो भी आपका लेवल होगा स्पाइनल कॉर्ड का, वो हम थ्रेस्टिक और लंबर वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के नंबर से हम स्पाइनल कॉर्ड के लेवल भी डिटरमिन कर लेते हैं कि जी ये सर्वाइकल 1 है, 2 है, 3 है, या इसी तरीके से थ्रेस्टिक हैं या लंबर हैं या सेक्रल हैं, कॉक्सीजियल हैं, वगैरह वगैरह। तो डिपेंडिंग ऑन द वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से वो नर्व्स एग्जिट कर रही हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द रूट या स्पाइनल रूट जिसको हम कह देते होते हैं। तो उस लेवल के ऊपर, वर्टिब्रल लेवल के ऊपर या स्पाइनल लेवल के ऊपर जो भी सेंसरी आई, वो सेंसरी एक तो रिफ्लेक्स कर गई
उधर से ही एकदम एक मोटर जनरेट हुआ जो कि प्रोटेक्टिव फीचर है इसका, हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का या नर्वस सिस्टम का। क्या आपने जिस चीज़ की वजह से कट लग रहा है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, आप आपने एकदम हाथ उठा लिया। ड्यूरिंग दिस टाइम जो सिग्नल हैं वो ऊपर भी चले जाते हैं और ऊपर जाके हायर सेंटर्स में परसीव करना शुरू हो जाता है कि जी अच्छा यहाँ पे अब मुझे पेन हो रही है। ये होता है पेन का पाथवे। अगर आपको ये पाथवे समझ आ गई भी है तो फिर आपको ये भी अब समझ आ जाएगी कि हम जिस टाइम पे जब भी हमें कोई तकलीफ होती है, हमें चोट लगती है, तो हम लाशऊरी तौर के ऊपर, लाशऊरी तौर पे हम एकदम उस एरिया को ऐसे पकड़ लेते हैं और दबाना शुरू कर देते हैं। उसके इर्द गिर्द दबाएंगे, जख्म के ऊपर नहीं दबा पाते लेकिन उसके इर्द गिर्द हम दबाना शुरू कर देंगे कि भाई किसी तरीके से दर्द बेहतर हो जाए। इस तरह पकड़ा हुआ होगा हाथ और दबा रहे होंगे कि भाई कुछ उससे आराम तो कुछ थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? दैट इज दिस पेन गेट या लैटरल इनहिबिशन थ्योरी। तो पेन गेट क्या कहता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक बेसिकली गेट लगा हुआ है और उस गेट में से इतने सारी जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनमें से कुछ सिग्नल जा सकते हैं, सारे नहीं गुजर सकेंगे एक टाइम के ऊपर। तो जब आपका पेन का सिग्नल आया, फॉर इंस्टेंस अगर ये रेड वाला मैं कहता हूँ कि जी ये पेन का सिग्नल आना शुरू हुआ है आपका, तो ये सारा का सारा पेन का सिग्नल जो है वो उस गेट के थ्रू चला गया। और चूंकि चार सिग्नल पेन के गए तो 4 टाइम्स आपको पेन महसूस हो रही है कि उफ बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। अब जब आप इर्द गिर्द दबाना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है कि इर्द गिर्द दबाने से इस हाथ के इर्द गिर्द, इस जख्म के इर्द गिर्द जो मजीद और सेंसरी पाथवेज थे आपने उनको भी एक्टिवेट किया, वो भी जो हैं अपने सिग्नल भेजना शुरू हो गए हैं। अब जब वो अपने सिग्नल्स भेज रहे हैं तो यहाँ पे गेट तो एक ही है अभी भी, उस गेट में से बजाय इसके कि अब चार गुजरेंगे पेन वाले सिग्नल, हो सकता है दो जो हैं वो आपके दबाने वाले सिग्नल भी गुजर रहे हो। इट डज नॉट मैटर कि ये सिग्नल कम इंटेंसिटी का था या ज्यादा इंटेंसिटी का था, गेट के ऊपर जाके सारे एक जैसे तकरीबन हो जाते हैं। और गेट पे जब पहुंचते हैं तो आपने टू सम एक्सटेंट उसको कम कर दिया, पेन की परसेप्शन को जो कि ब्रेन तक जानी थी उसको हाफ कर दिया इस तरीके से। सो दिस इज कॉल्ड द लैटरल इनहिबिशन और द पेन गेट थ्योरी। अगर आपको अब ये समझ आ गई तो इसी लॉ को अप्लाई करते हुए जिस्म में कहीं पे भी दर्द है, सबसे पहली चीज उसका रूट आइडेंटिफाई करें कि उसका नर्व रूट क्या है। उस नर्व रूट को सप्लाई करने वाली, सेंसरी सप्लाई देने वाली जितनी भी चीजें हैं, अगर आप उनको दबाना शुरू कर देंगे आपका दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जाम्पल अगर मैं दूं, आपकी आंतों में जब दर्द होता है तो आपके नाफ के इर्द गिर्द, नेवल जो बेली बटन है उसके इर्द गिर्द आपको पेन ज्यादा परसीव होती है, और उसी एरिया में जब आप दबाने की कोशिश करते हैं तो इट हैज द सेम नर्व रूट एज दो द एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन दैट इज बीइंग अफेक्टेड। तो आपने पेन गेट थ्योरी या लैटरल इनहिबिशन थ्योरी के थ्रू वंस अगेन आपने उसको 1/4 परसेप्शन उड़ा दी, हाफ उड़ा दी, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना जोर से प्रेशर से आप दबा रहे हैं या कितनी आप स्टिमुलेशन दे रहे हैं। दिस इज हाउ रिफ्लेक्सोलॉजी वर्क्स, दिस इज हाउ एक्यूपंक्चर विल वर्क, दिस इज हाउ हिजामा विल वर्क, ड्राई कपिंग विल वर्क, मसाज कपिंग वुड वर्क। ये चीज जो है आप किसी भी तरीके से फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैदे में दर्द है, लिवर में दर्द है, गॉल ब्लैडर की पेन है, आपको चेस्ट पेन है, हार्ट पेन है, जो भी पेन है उसका पीछे नर्व रूट कोई ना कोई होगा, और उस नर्व से, उस रूट से आपको फिजिकल बॉडी में एक्सटीरियर के ऊपर भी कहीं ना कहीं सप्लाई जरूर होगी। इस पे थोड़ा सा आपको जो है वो मैं कहूँगा कि थोड़ी सी रिसर्च जरूर आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लिखें कि जी आपको डर्माटोम्स चाहिए या आपको सेंसरी इनर्वेशन चाहिए, ये सेंसरी इनर्वेशन या डर्माटोम्स की सर्च
जब भी आप डालेंगे गूगल में तो उसमें इमेजेस के अंदर आपको जो है वो C1, C2, C3, T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, L1, 2, 3, 4 इस तरह करके आपको डिफरेंट पैचेस बॉडी पे, फ्रंट पे भी और बैक पे भी दे दिए जाएंगे कि जी ये एरिया है जो कि इस तरीके से इनर वेट हो रहा है। इनर वेट से मुराद ये है कि जी वो उस एरिया के अंदर वो वाली नर्व रूट सप्लाई कर रही है, चाहे वो सेंसरी हो या मोटर हो। तो सेंसरी आप इनर्वेशन देख सकते हैं और वहां से आपको जो है वो अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि जी पेन गेट या लैटरल इनर्वेशन के हिसाब से जिस एरिया में आपको पेन है अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में भी अगर कहीं पे आपको पेन है तो उसकी एक्सटीरियर के ऊपर, बॉडी के ऊपर कौन से एरियाज हैं जिनको आप दबाएंगे जिससे आपको जो है वो फर्क महसूस होगा, बेहतरी आपको आ सकती है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी और बाकी सारे जो ये साइंसेज हैं ये पेन गेट और लैटरल इनहिबिशन थ्योरी के ऊपर काफी काम करते हैं व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग पेन। जब बात होगी बाकी चीजों की कि जी आपने कौन से ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करना है, किस तरीके से स्टिमुलेट करना है, उसके अंदर मजीद कुछ एडवांस थेरीज भी आती हैं, उस पर वो वक्त के साथ साथ हम इंशाल्लाह ताला बाकी बात भी करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ पेन के हिसाब से बगैर पेन किलर्स के किस तरीके से अपने आप को संभाला जाए, मेरा मकसद इस वीडियो के अंदर जो है वो उसको एक्सप्लेन करना था। आई होप कि उस इससे आपको इंशाल्लाह ताला फायदा होगा एंड आई होप इट रीचेस दोज पीपल हु आर इन नीड ऑफ इट। थैंक यू, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।